सांसद भारत दर्शन कार्यक्रम के दूसरे चरण के अवसर पर बचत भवन हमीरपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की तथा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के 10वीं तथा 12वीं कक्षा के मेधावी 20 बच्चों को हमीरपुर से आधुनिक सुविधाओं से लैस लग्जरी बस से हैदराबाद के लिए रवाना किया। जिला परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि हमीरपुर से दिल्ली तक बच्चे बस द्वारा जाएंगे और उसके बाद हैदराबाद के लिए हवाई यात्रा से रवाना होंगे। उन्होंने बताया कि बच्चे हैदराबाद में विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों का भ्रमण करेंगे तथा वहां के उच्च अधिकारियों से रूबरू होकर अहम जानकारी भी हासिल करेंगे, जो उन्हें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के प्रति प्रोत्साहित करेगी। साथ ही 4 दिवसीय यात्रा पर बच्चे दिल्ली में स्थित संसद भवन और ऐतिहासिक स्थलों का भी भ्रमण करेंगे। इस अवसर पर बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। बच्चों तथा उनके माता पिता के चेहरे पर एक असीम प्रसन्नता भी देखने को मिली। सांसद भारत दर्शन के माध्यम से किया गया, इसके लिए मैं अपने सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर को आपकी तरफ से उनका आभार भी प्रकट करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। प्यारे बच्चों, क्योंकि जिस सांसद भारत दर्शन के तहत आज यह दूसरा ग्रुप हैदराबाद के लिए जा रहा है, आज से लगभग 1 महीना पहले आपकी ही बहनें 40 छात्राएं प्रथम सांसद भारत दर्शन के माध्यम से पुणे और बेंगलौर से, आप सब ने फेसबुक के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से देखा कि किस तरह से उन्होंने अपने सांसद भारत दर्शन का जो भी पल वहां बिताया उसका रिपोर्ट उन्होंने अपने बच्चों के माध्यम से किया। प्यारे बच्चों, उनमें से हमारी बहुत सी ऐसी बेटियां थी जो डॉक्टर बनना चाहती थी, जो इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने सांसद भारत दर्शन के माध्यम से उन क्षेत्रों का भ्रमण किया और देखा तो उन्होंने अपने कई विचार बदल लिए। कोई डॉक्टर बनना चाहती थी, इंजीनियर बनना चाहती थी, उन्होंने कहा नहीं, मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में भारत की सेवा करना चाहती हूं, मैं रक्षा के माध्यम से, चाहे वो एनडीए में जाए, चाहे एक एरिया में जाए या किसी और सर्विस में जाए, लेकिन मैं इंजीनियरिंग और एमबीबीएस का चयन नहीं करूंगा। अपने आप को आगे उठाना है और इसका प्रयास अगर किसी व्यक्ति किसी व्यक्तित्व ने किया तो वो हमारे सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, आप में से ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का भी पूरा भ्रमण नहीं किया होगा, लेकिन हमारे सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आपकी प्रतिभा को पहचानते हुए हवाई जो यात्रा है वो भी निःशुल्क। इस मौके पर बच्चों को बैग व टी शर्ट देकर भी उनकी प्रतिभा को सम्मानित किया गया। भ्रमण के लिए जा रहे बच्चों ने बेहद ही खुशी जताई और कहा कि सांसद की इस योजना के तहत भारत भ्रमण पर जा रहे हैं, जो कि बढ़िया है। उन्होंने बताया कि इस भ्रमण से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। छात्रों का कहना है कि सांसद भ्रमण योजना के तहत भारत के विभिन्न प्रमुख स्थानों में जाने का मौका मिल रहा है, जो कि पहले संभव नहीं था। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर, एपीएमसी के चेयरमैन अजय शर्मा, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रवक्ता दीपक शर्मा, भाजपा महामंत्री पवन शर्मा भी मौजूद रहे। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। हमें अनुराग ठाकुर जी द्वारा सांसद भारत भ्रमण योजना के तहत हैदराबाद भेजा जा रहा है और मैं उसके लिए बहुत उत्साहित हूँ। मैं कभी आज तक फ्लाइट में नहीं बैठा हूँ, तो उसके लिए मैं अनुराग ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। वहाँ पे हम कई बड़े साइंटिस्ट और नेताओं से भी मिलेंगे और इससे आने वाले बच्चे भी प्रेरित होंगे कि ताकि वो और पढ़ाई करके और अच्छे नंबर ला सकें। धन्यवाद। मेरा नाम रोहित कुमार है। मैंने +10+2 में 95% मार्क्स हासिल किए हैं और अनुराग ठाकुर सांसद अनुराग ठाकुर जी हमें भारत दर्शन के ऊपर लेकर जा रहे हैं। वो हमें पहले दिल्ली फिर हैदराबाद लेकर जाएंगे। मैं पहली बार एरोप्लेन में बैठने जा रहा हूँ, मैं इससे पहले कभी एरोप्लेन में नहीं बैठा। मैं अनुराग ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूँ। वो हमें कई नेताओं आदि से इंडस्ट्रीज में लेकर जाएंगे, उसका मैं बहुत धन्यवादी हूँ। इससे पहले भी एक टूर जा चुका है जिसमें लड़कियाँ गई थी, उन्होंने भी आकर अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। सो मेरा नाम आरजब है। मैं
गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अरलू से हूँ और मैंने 12वीं कक्षा में 95.40% स्कोर किया है। एंड अगर मैं बात करूँ तो हमारे सांसद अनुराग ठाकुर जी ने जो ये योजना चलाई है भारत दर्शन भारत भ्रमण की, जो हमारे विद्यार्थियों को, जो हमारे टॉपर विद्यार्थी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है अपनी बोर्ड की क्लासेस में, तो उनके लिए ये योजना चलाई गई है जिस योजना के माध्यम से हमें सौभाग्य मिल रहा है कि हम भारत के विभिन्न हिस्सों में जाके दक्षिण भारत में इस कोने से उस कोने में ले जाके हमें वहाँ का दर्शन कराया जा रहा है और हमें ऐसे ऐसे संस्थानों का दर्शन कराया जा रहा है जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते कि एक कॉमनर के लिए दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट देयर विद इन हिज नीड्स। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अनुराग ठाकुर जी ने ये कार्यक्रम चलाया इससे हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड हमारा एक्सपोजर बहुत सारे हमारी जो क्वालिटीज़ हैं वो सातवें आसमान पहुँच जाएंगी जब हम भारत भ्रमण करके आएंगे। और मैं इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे अभी क्लासेस में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत सुनहरा मौका है कि अगर वो चाहें तो वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और भारत के विभिन्न हिस्सों में घूमने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ राव जी का जिन्होंने हमारे को सौभाग्य प्राप्त करवाया कि हम जा सकें। नजदीक क्षेत्र के सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी ने एक बहुत ही यूनिक कार्यक्रम तैयार किया है। इसमें जो युवा हैं, युवा बच्चों को भारत भ्रमण और इससे पहले भी जो बच्चे गए थे उनको एक अच्छा एक्सपोजर मिला और अभी भी जानकारी मिली है कि ये जो एक टूर बना है इनका, ये हैदराबाद में जा रहे हैं, वहाँ पर अलग अलग विज्ञान से संबंधित और दर्शन करेंगे संस्थानों का और उसके बाद जो है संसद भवन में आकर के संसद, हमारे देश की संसदीय प्रणाली किस प्रकार से कार्य करती है इसके ऊपर भी उनको एक्सपोजर होगा। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि इस प्रकार से उन्होंने एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम बच्चों के लिए लिया है, हमारे युवाओं के लिए लिया है, जो सही मायने में बहुत सार्थक सिद्ध होगा। आपको बता दें कि सांसद अनुराग ठाकुर ने सांसद भ्रमण दर्शन कार्यक्रम की एक अनूठी पहल शुरू की है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के मेधावी बच्चों के लिए ये सेवा पूर्ण तरह निःशुल्क है। बच्चों के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत सांसद ने गत वर्ष नवंबर को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की विभिन्न स्कूलों की 40 मेधावी बच्चियों को भारत दर्शन के लिए रवाना किया था। हमीरपुर से ये बच्चे अत्याधुनिक सुविधा से लैस एक लग्जरी बस से दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां से ये बच्चे दो अलग अलग समूहों में देश के प्रतिष्ठित महानगरों पुणे तथा बेंगलोर के लिए हवाई यात्रा से रवाना हुए।